गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमेशा याद रखें, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। उन अवसरों का लाभ उठाइए और जी तोड़ मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 29 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। सूर्य आज कर्क राशि में है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज भरानी का योग है। वहीं चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा मात्र से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं आज कौन है वो भाग्यशाली राशियां जिन पर भगवान शिव की कृपा बरसेगी। सबसे पहले बात मेष राशि की। दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, मगर किसी पुराने काम को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आज आप जो है काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए तो उन्हीं की चाल से आज आप धन कमाने में सफल होंगे। कई मौके ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि परिणाम आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं को फिर से विश्लेषण कर उनमें सुधार लाने की आपकी कोशिश आपको सफल जरूर बनाएगी। आज दिन की शुरुआत भगवान शिव की प्रार्थना से करें तो बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। नई गाड़ी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। आज माता पिता से आशीर्वाद लेकर घर से निकलिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो आपके बिजनेस के काम हैं अगर उनकी बात की जाए तो वहां पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, मगर साथ ही आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आज लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास ना करें। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। भविष्य की ओर देखते हुए आज आप बचत करना शुरू कर सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगी। आज आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए संयम बरतें, क्योंकि आपकी तलखी आसपास के लोगों को दुखी कर सकती है, मगर दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खामियों पर गौर फरमाएं, इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। खर्चों को मैनेज करने की बस ज़रूरत है। अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए मेहनत डबल करने की भी ज़रूरत है। बस आज आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिजनेस में कोई बड़ी डील हाथ से छूट सकती है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। आज कोशिश करें कि काम पर जाने से पहले भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करें और शिव चालीसा का पाठ करें तो यह आपके लिए फलदायी रहेगा। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन अच्छा रहने वाला है। किसी संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन सूझबूझ से वो जल्द ही निपट भी जाएगा। जरूरी काम को लेकर योजना बनाकर चलना बेहतर है। आज कोशिश करें कि बिजनेस में कोई जोखिम भरा काम ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब हो जाने की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसे में एहतियात बरतें। ऐसी परियोजनाएं शुरू आज आप कर सकते हैं जिससे आपके पूरे परिवार में समृद्धि आए। काम पूरा होने की आज फिक्र ना करें, वरना मानसिक तनाव जो है वो आपका बढ़ सकता है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी अच्छी खासी तारीफ आज कर सकते हैं। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में भी आज इजाफा होने की संभावना है। अगर आज आप नई जानकारी और क्षमताएं विकसित करने की थोड़ी कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। खास व्यक्ति से मुलाकात होने की भी संभावना बन रही है, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की बात की जाए तो मेहनत करने पर अच्छा मुकाम उन्हें मिल सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है।
तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन आपके लिए समृद्धि लेकर आ रहा है। रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बस आज स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना बरते। साथ ही जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आज उनका पैसा डूब सकता है, इसलिए सावधान रहें। वक्त रहते सचेत हो जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। घर में और आसपास छोटे मोटे बदलाव करने के लिए दिन सही है। किसी इंटरव्यू में जाने के लिए भी अच्छा समय है। दफ्तर में काम ज्यादा रहेगा हालांकि, और आपका जो खाली वक्त है वो भी आज हो सकता है कि दफ्तर के काम निपटाने में ही चला जाए। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन प्रयोग में भी लापरवाही ना बरतें। व्यापार में नई योजनाएं अच्छा खासा मुनाफा दे सकती हैं। आज मनोरंजन पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना होगा। दूसरे देश में व्यावसायिक संपर्क बनाने के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आप जिस प्रतियोगिता में भी आज कदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में आज सहयोग देगा। साथ ही माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। धनुराशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज दिन ठीक ठाक रहने वाला है। लोन से जुड़े मामले हल होने की संभावना बन रही है। आज किसी साझेदारी वाले व्यवसाय में जाने से बचिए, क्योंकि हो सकता है कि भागीदार आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। साथ ही आपको निवेश करने से पहले भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो इसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। आज दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रह सकता है। किसी बात को लेकर तनाव रहने की भी संभावना है। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखने में मददगार होगा। आज आप पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति दूसरों के आगे रखें और काम में लगन और उत्साह दिखाएं। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा हुआ कोई शख्स आज आपके सामने आ सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है, जिससे आपके पुराने दिन की जो हैं वो ताजा हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति की राह पर आगे बढ़ने का आज मौका मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन बेहतर रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी पार्टनर का अच्छा सहयोग मिल सकता है। काम को लेकर योजना बनाकर चलना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, इसलिए नए काम की शुरुआत करने के लिए अगर आप सोच विचार करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत उपयुक्त है। इसके साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचिए और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम कीजिए। माली सुधार की वजह से ज़रूरी खरीदारी करना भी आपके लिए आसान रहेगा, मगर आज बस पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है। लेकिन आपको आपा नहीं खोना है और बात को आगे ना बढ़ाइए, वरना विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, धन संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और ऐसे लोगों से मेलजोल आपका बढ़ सकता है, जो आने वाले समय में आपको लाभ पहुंचा सकते हैं आपके बिजनेस में, आपके करियर में। इसी के साथ व्यापार में भी कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। शिव परिवार की पूजा करने से आज आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक सीख। हमेशा एक बात याद रखें, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सफलता हर हाल में आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आशा करते हैं कि आपका आज का दिन भी मंगलमय होगा। नमस्कार।